हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार, अभी इवनिंग का टाइम है क्योंकि 4:30 बज चुका है और हमारे यहाँ 5:30 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। और आपके यहाँ मौसम कैसा है, कैसा नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारे यूपी में तो ऐसा ही चल रहा है अब मौसम, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। हमें देख के आप लोग समझ ही गए होंगे बहुत ठंड है। और बाबू चला गया है ट्यूशन, 4 बजे उसका ट्यूशन रहता है। तो वो ट्यूशन जाने के बाद मेरा मी टाइम स्पेंड करने के लिए मैं छत पे आ गई थी। कम से कम आधा घंटे से मैं यहाँ पे टहल रही हूँ छत पे। और मेरा मतलब शाम का जो काम है घर का, वो तो मैंने दोपहर में खाना वाना बनाने के बाद ही सब कुछ कर लिया था, इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। बाबू ट्यूशन से आ जाने से थोड़ी मतलब 5 बजे वो आ जाएगा, उससे 5-10 मिनट पहले मैं नीचे चली जाऊँगी ताकि वो आने के बाद मुझे देख पाए, नहीं तो बहुत रोएगा मैं अगर नीचे नहीं जाऊंगी तो। वैसे भी गेट बंद किया हुआ है क्योंकि मैं कमरे में ताला नहीं लगाया, मेन गेट बंद करके मैं आ गई हूँ छत पे। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे बाबू देखिए फ्रेंड्स ट्यूशन से आ गया है, और आने के बाद ही रोना शुरू कर दिया कि मुझे मम्मी केक खाना है। और मैंने ये कह के रख दिया था कि बाबू तुम जब स्कूल से आओगे तुम्हें हम केक दिलवाएंगे, तो इसीलिए रोना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को भेज दिया कि जाओ केक लेके आओ, तो केक तो अभी मिला नहीं, इस पेस्ट्री मिल गया, तो पेस्ट्री लेके वो आ गए थे। और आते टाइम रोड पे ही तो एक जो मतलब फ्रूट केक का जो पैकेट है बाबू के हाथ में था, तो वो बंदर ने छीन लिया। तो हमारे यहाँ बहुत बंदर है रास्ते से, मतलब रोड से पैदल जाओ तो कोई चीज़ तुम्हारे हाथ में हो ना तो बंदर छीन के ऐसे ही लेके चले जाते हैं। तो बाबू बहुत ही ज़्यादा डर गया था और रोने लग गया था, तो केक खा रहा है और मुझे बता रहा था मम्मी बंदर केक लेके चला गया। तो मैं ऐसे समझा रही थी कोई बात नहीं, पापा तुम्हें दोबारा दूसरा ला के देंगे, तुम रो मत। तो बाबू वहाँ पे टीवी देख रहा है, साथ में अपना केक एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर मैं आ गई थी बाबू के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करने, दूध गर्म करके बाबू को दे के आई हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, शाम के टाइम इतनी ठंड में थोड़ी सी चाय ना हो ना उसके बाद कोई काम करने का एनर्जी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 2 रस लेके आ गई थी, आज संग में लेके आई हूँ चाय। तो बाबू का आज क्या मन हो गया चाय पीने का, मन हुआ उसको, मतलब मैं जब रस से चाय ऐसे पी रही थी ना, रस खा रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे भी खाना है, तो वो भी खाने लग गया था मेरे साथ साथ। तो मैं यहाँ पे टीवी देख रही थी, संग में चाय और रस खाने लग गई थी। तो चाय पी के बाबू को मतलब कोचिंग का जो होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है, सब कुछ मैं दिखा के आ गई हूँ किचन में। वो अपना होमवर्क कर रहा है और मैं बीच बीच में मतलब खाना बनाने के बीच बीच में जाके मैं देख रही हूँ बाबू क्या पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं। तो ऐसा तो होता रहता है, और हम लोग हाउस वाइफ है, हमें बच्चों को भी देखना है, खाना पीना भी देखना है, पति देव को भी देखना है, और परिवार के सब लोग को भी देखना है। लेकिन हमारे यहाँ परिवार का और कोई नहीं है, तो जब मैं घर जाऊँगी सब लोगों को मैं दिखाऊँगी, सबका इंट्रोड्यूस कराऊंगी कौन क्या लगता है कौन नहीं। और हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है, जब हम घर जाएंगे तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी, आप लोग देख ही लेना उस टाइम आपका मेरा जो ब्लॉग है आप लोगों को और अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो उस ब्लॉग ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है, ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो जो भी हो फ्रेंड्स, जब घर जाएंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो मैं आज सोच रही थी, दोपहर में सोच रही थी सरसों का साग बनाने के लिए, लेकिन दोपहर में बना नहीं पाई क्योंकि इसे टाइम लगता है अच्छे से धो साफ़ करो, तो मैं दोपहर में बना नहीं पाई। तो मैं आज रात में सरसों का साग बनाऊँगी, इसके लिए कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करके सरसों का साग बनाऊं, उसमें अगर सरसों का तेल ना डालूं तो मज़ा नहीं आएगा। तो सरसों का तेल गरम करके उसमें मैंने लहसुन कूट के फ्राई करने के बाद उसमें सरसों का साग डाल दिया। और मैं ना सरसों का साग उबाल के नहीं बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ नमक डाल के अच्छे से मतलब मसल लेती हूँ, तो उसका जो कड़वा पानी है वो निकल जाता है, इसलिए जब मैं सरसों का साग बनाती हूँ तो उसमें जो कड़वापन है वो नहीं होता है। तो जो भी हो, मैंने वहाँ पर साग चढ़ा दिया है।
और ढक्कन लगा के मैं ऐसे ही धीमी आंच में पकाती रहूंगी और थोड़ी थोड़ी बात चेक करती रहूंगी और मतलब चलाती रहूंगी ताकि साग नीचे तो से जल ना जाए। हमारा और बाबू इस भी साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया है तो अब खेलने लगा है। आप लोग देख ही सकते हो चारों तरफ किताब विताब सब कुछ फैला भरा है। और आप लोगों के साथ एक चीज मैं शेयर करती हूँ, एक चीज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, वो है देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक शहद, बिल्कुल ऑर्गेनिक गांव से आया है। आप लोग देख ही सकते हो बिल्कुल फ्रेश है, थोड़ी देर पहले ही आया है। मेरे हस्बैंड ने कह के रखा था कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक शहद मतलब कोई छत्ता वत्ता जो लोग तोड़ेंगे तो हस्बैंड कह के रखा था कि हमें भी दे जाना। और ठंड के मौसम में बच्चों के लिए शहद बहुत ही बढ़िया होता है। मैं तो शहद तो स्मेल भी मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन जो है इसका फ़ायदा बहुत है तो मैं बाबू के लिए भी मंगवा लिया है। 1.5 किलो शहद है तो अभी भी उसमें से शहद निकालना पड़ेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने हस्बैंड से कह दिया वो जब रात को घर आएंगे तो वो ही कर देंगे ये काम, मैं कभी किया नहीं है और मुझे पता भी नहीं कैसे इसमें से शहद निकाला जाता है। तो हस्बैंड ये काम कर देंगे, शहद निकालेंगे इसमें से तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही लिया है। हमारे इधर ना शायद ऐसे ही मिल जाता है 170 का 1.5 ग्राम मतलब 1.5 किलो दिया है 170 रुपये का। आप लोग सोच ही नहीं सकते हो बिल्कुल छच्चा तोड़ के बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक शहद यहाँ पे बेचा जाता है आपके सामने ही। वो लोग तोड़ के आपको शहद दे देंगे, जैसे उन्हें पता होगी कि यहाँ पे छच्चा है वो लोग आज तोड़ेंगे, आपको कह देंगे आप यहाँ पे आ जाना और ले जाना शहद। तो मेरे हस्बैंड चले गए तो लेके आए, आपके सामने ही वो लोग तोड़ के आपको फ्रेश शहद दे देंगे। तो वही फ्रेश शहद आप सोच ही सकते हो 1.5 किलो शहद 170 रुपये में तो कितना सस्ता पड़ता है यार। दुकान से लाओ, ऑर्गेनिक के नाम पे दे देते हैं उल्टा पुल्टा चीज़ें और आपके आंखों के सामने जो चीज़ तोड़ा जा रहा है बिल्कुल ऑर्गेनिक उस पर तो ज़्यादा विश्वास होएगी ना आपको। तो यहाँ पे इतने कम पैसों में इतना बढ़िया चीज़ हमें मिल जाती है तो गांव का ये फ़ायदा है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना ये ना बिल्कुल गांव भी नहीं है और बिल्कुल शहर भी नहीं है, ये एक कस्बा है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ गांव की हर चीज़ भी यहाँ पे मिल जाते हैं तो सही ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो शायद यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे हस्बैंड आएंगे तभी से अच्छे से मतलब निकाल के शहद निकाल के डिब्बे में भरा जाएगा। और यहाँ पे चावल बन रही है, यहाँ पे बन रही है सरसों का साग। खाना बनने के बाद बाबू को मैं खिला के सुला दूँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा पहुँच जाए। और चारों तरफ देखो किताब कॉपी फैला पड़ा है, मैं अभी सब चीज़ें मैं समेट के रखूँगी सही से और बाबू का बैग भी रेडी करके रख दूँगी। कल स्कूल है सुबह तो उसके लिए सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, बैग रेडी करो तो मैं रात को जब बाबू का जब मतलब होमवर्क करना ख़त्म हो जाता है, पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, फिर मैं जब किताब वगैरह सब सेट करती हूँ ना तभी उसका स्कूल का बैग भी रेडी करके रख देती हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ कर पाऊँ। नहीं तो सुबह उठ के खाना बनाना, घर का सारा काम करना, उसका स्कूल बैग रेडी करना वो नहीं पता है, इसलिए कुछ कुछ काम मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। किचन का काम भी रात को ही मैं करके रख लेती हूँ जैसे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं बिस्तर बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ और किताब वगैरह सब कुछ सेट कर लेती हूँ तो ब्लॉग पे बने रहिए। और यहाँ पे सरसों का साग बिल्कुल बन गया था और यहाँ पे मैं डाल दिया था 1 चम्मच देसी घी, इसमें जो है साग का टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स रात में हम लोग डिनर कर चुके थे और डिनर करने के बाद मेरे हस्बैंड जो है लेके बैठ गए शहद, और शहद में ना थोड़ी सी गंदगी रहती है साइड से तो वो गंदगी काट के पहले हटा रहे थे मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड तो कह रहे पहले शहद मतलब निकाल लेते हैं उसके बाद खाना खाएंगे, तो मैंने कही कि पहले तुम शहद निकालोगे तो उसमें से जो है शहद का जो स्मेल है वो तो हाथों में रहता ही है तो उसमें खाना अच्छा नहीं, उसके बाद खाना खाने में ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हाथ में वो स्मेल होता है शहद का, तो इसलिए हमने कही पहले खाना खाओ उसके बाद अपना जो है शहद निकालना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मतलब बर्तन वगैरह गंदे होंगे तो बर्तन धोने के टाइम हम सब कुछ धो लेंगे। और शहद देखो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑर्गेनिक, देख के किसको किसको मतलब ऐसा मन हो रहा है कि यहाँ से आके एक
कप या फिर एक गिलास भर के शहद ले जाए अपने घर के लिए। और देखिए कितना अच्छा है और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा है शहद। पहले भी एक बार हम लोगों ने घर के आगे से शहद लिया था, लेकिन वो ना बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं था, बिल्कुल मतलब बाल्टी में भर के बेच रहे थे। उस टाइम भी हम लोगों ने 1.5 किलो शहद लिया था घर के आगे से, मतलब बाबू जब 1 साल का था उस टाइम की बात है। और ऐसा लग रहा था बिल्कुल शहद का जो कलर है, जो गुड़ नहीं होती है गुड़, अब अगर ऐसे ही कढ़ाई में पिघला लो पानी डाल के, गुड़ का कलर जैसा होता है ब्लैक ब्लैक सा, वैसा बिल्कुल रेड कलर में ब्लैक कलर सा, तो वैसा ही था शहद। तो वो ऑर्गेनिक नहीं था वो, मैं ये वाला शहद देख के मैं हस्बैंड से कह रही थी कि देखो वो वाला शहद ऑर्गेनिक नहीं था। ऑर्गेनिक शहद जो होता है गोल्डन कलर में होता है, मैं ये शहद देख के बहुत समझ गई थी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो इसमें कोई ऐसा गुंजाइश ही नहीं है कि हम लोग कह पाए कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि छच्चा से हम लोग डायरेक्ट जो है शहद निकाल रहे हैं। और देखो ना कितना गाढ़ा गाढ़ा शहद है बिल्कुल, और 1.5 किलो शहद है। और इसमें जो मोम है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये फेक मत देना, ये ना तुम मतलब कढ़ाई में गर्म कर लेना, ये जो मोम बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने कि उतना काम मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने बाद में वो फेक ही दिया था। और ये जो है जो शहद बाहर निकल के आ गया था वही शहद है, इसमें थोड़ी सी मतलब वही है मोम है, तो इसलिए मैं छन्नी से ही छान के साफ़ कर रही हूँ और इस डिब्बे में रख रही हूँ। हॉर्लिक्स का डिब्बा है और मेरे हस्बैंड ने पन्नी भी फाड़ दिया है हॉर्लिक्स के डिब्बे का, कह रहे देखने में अच्छा लगेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा इसमें शहद है या और कुछ है, क्योंकि हमारे घर में ना हॉर्लिक्स का डिब्बा बहुत सारा है। तो मैंने पन्नी फाड़ दिया था मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ पे जो है हम लोग दोनों मिलके जो है शहद छान रहे थे। और ये वाला शहद छान लेंगे और वो वाला शहद भी हम छान लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गंदगी हो ना वो भी निकल जाएंगे। गंदगी मतलब कि वैसा कोई गंदगी नहीं है, वही है थोड़ा बहुत जो है छच्चा का जो पोर्शन है पार्ट है थोड़ा बहुत वो ही रह गया है। और इसमें जो बाद में हमने छनने के लिए रख दिया था उसमें तो कुछ नहीं था, तो हम यहाँ पे छनने के लिए छोड़ देते हैं। और जो भी बर्तन वगैरह गंदा हुआ है मैं धो के लेके आ गई थी, और मैं रात में सोने से पहले मेरा किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ ताकि सुबह उठ के मुझे काम करने में आसानी हो। तो सारा बर्तन धो के मैं यहाँ पे लगा रही थी सही से, उसके बाद जो मैंने गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था, मेज गैस आप लोग देख ही सकते हो सब कुछ बिल्कुल साफ़ है, सब कुछ बिल्कुल क्लीन है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जाऊँगी आराम करने आज का ब्लॉग में।